मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गहलोत सरकार को लेकर लगातार घेर रही है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या पर कहा कि इस घटना के बाद से लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बावजूद राज्य की गहलोत सरकार अभी भी हरकत में नहीं आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि निरंतर हो रही हत्या की वारदातों के बाद एक बार फिर चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा में भाजपा नेता के बेटे की दिन दहाड़े हत्या हो गई। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान अब अपराधों का गढ़ बन गया है। पूर्व सीएम ने मांग की है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए। गौरतलब है कि 3 फरवरी को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कारागृह के बाहर हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया गया है। मृतक के पिता बापूलाल अंजुना बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक 28 साल के इकलौते बेटे बंटी उर्फ विकास अंजुना को निम्बाड़ा जेल के सामने एक बदमाश ने उसे रुकवाया और बंटी को पकड़कर एक कार के सामने गिरा दिया, जिसके बाद फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी थी।